अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल शाहनाज मल्टी कुजिन फूड। आज मैं बनाऊंगी पनीर पराठा। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ही क्रिस्पी बनता है और बनाने में बहुत आसान है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ये जो सिंपल और टेस्टी रेसिपीज पाने के लिए। पनीर पराठा बनाने के लिए सबसे पहले डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए एक बाउल में एक कप गेहूं का आटा और एक कप मैदा ले लीजिए। अब आधा छोटा चम्मच नमक, दो छोटे चम्मच चिली फ्लेक्स, डेढ़ छोटा चम्मच अजवाइन, आधा कप कटा हुआ धनिया पत्ता, दो बड़े चम्मच तेल डालें और सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिला लें। चिली फ्लेक्स आप अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके डालें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मीडियम नरम आटा गूंथ लीजिए। अब आटे को आधा घंटे के लिए ढककर रख दीजिए। अब उसकी बराबर आकार की लोइयां बना लीजिए और उन्हें गोल आकार दे दीजिए। स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन ले और उसमें एक बड़ा चम्मच तेल डाले, एक बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, दो से तीन बारीक कटी हरी मिर्च डालें और 30 सेकंड तक फ्राई करें। अब इसमें दो मीडियम आकार के बारीक कटे हुए प्याज डालें और एक मिनट तक फ्राई करें। दो सौ ग्राम ग्रेट किया हुआ पनीर डालें और सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें। अब आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला और स्वाद अनुसार नमक डालें। अब सभी चीजों को अच्छी तरह से मिला लीजिए। आधा कप कटा हुआ हरा धनिया डालें और एक मिनट के लिए फिर से मिलाएं। अब ये पक गया है, इसे कटोरी में निकाल ले और इसे ठंडा होने दे। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रीजर में रख सकते हैं। आटे की एक लोई लीजिए और इसे गोल आकार दे दीजिए। अब बीच में ढेर सारे स्टफिंग रखें। अब इसे दिखाए अनुसार मोड़े। अब इसे स्क्वायर शेप में बेल लीजिए।
पराठा को गर्म तवे या पैन में रखें और दोनों तरफ से इसे पकाएं। थोड़ा सा तेल डालें और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तलें। इस पराठा को आप बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा उन्हें, वो मज़े से खा लेगा। और इस पराठा को मैंने थोड़ा स्पाइसी बनाया है, आप अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाएं। इस टेस्टी पनीर पराठा को अपने घर में जरूर ट्राई करें, आई होप सभी को पसंद आएगा। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें, उससे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।